जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, हमने कभी ये सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम ऑनलाइन होंगे तो ही लाइव माने जाएंगे, अदरवाइज हमें लाइव भी नहीं माना जाएगा। चलिए, अब हम लाइव हो चुके हैं, यानी जिंदा हो चुके हैं। हालांकि सही बताऊं दोस्तों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं भाई। जिंदगी ऑनलाइन होने से जिंदा नहीं हो जाता कोई आदमी, वो जिंदा तो जिंदा दिली से होता है। श्वेता पासी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट लर्नर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। श्वेता पासी जी आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे मालूम है तमाम लोग दोस्तों, अनु पुनिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग अनु मैम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है, श्वेता मैम पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूं। मैं शानदार हूं, लाजवाब हूं मैम, आप कैसे हैं? और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम तमाम लोग शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। देखिए, कई बार अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या सर आप हमेशा शानदार ही रहते हो? तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि डोंट स्पीक व्हाट यू आर एक्चुअली, स्पीक व्हाट यू सीक। विशाल कर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे विशाल कर्मा मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरे स्टूडेंट रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का, अपना एक स्टार्टअप चलाते हैं ऑनलाइन। पलक माहेश्वरी जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और विशाल कर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आ जाओ विशाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों, रमेश अंकल जी, चाचा जी हैं हमारे, विकास सर के पापा जी हैं, मेरे लिए आदरणीय है, चाचा जी हैं मेरे, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है सुबह सुबह, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। राजेश कासवान सर, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब, जिनको मैंने हमेशा इस चिंतन में देखा है कि कैसे हम स्टूडेंट्स के लिए और कुछ बेहतर कर सकते हो, उनके लिए बेटर क्या करें, क्या नए कोर्सेज लाएं, कैसे हम उन लोगों के लिए और बेहतर काम करें। मैं बहुत शानदार हूं जी, मैं बहुत ही बेहतरीन हूं। चलिए, धीरे धीरे आप लोग जुड़ रहे हैं। अनिल चौधरी सर, वंदे मातरम, अनिल सर जुड़ चुके हैं हमसे। दोस्तों, कई बार देखिए, परिस्थितियां आपके लिए ऐसी कई बार निर्मित होती हैं जब आपको परिस्थितियों का फायदा मिल जाता है। और मुझे बहुत बहुत मतलब, हालांकि दुख इस बात का हो रहा है कि सर थोड़े से 3-4 मिनट लेट हो रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की हो रही है, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मुझे वो वक्त याद आ रहा है। साहिल कापरिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग। साहिल भाई आप कैसे हैं? साहिल भाई ने इस कोरोना के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, इनकी और इनकी टीम ने लगातार गंगानगर में जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया है, जरूरी सामान पहुंचाया है, लगातार वो सेवा में जुड़े हुए हैं। प्रकाश पांडे सर, जिनको हम बेफिक्रा सूरी भी सूफी भी बोलते हैं, बेफिक्रा सूफी प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित साहू, राजा राम सर नहीं आए अभी, हम वेट कर रहे हैं उनका। अमित सर, राजा राम सर को 3-4 मिनट लग रहे हैं, वही मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था। देवेंद्र सिंह राठौर साहब, गुड मॉर्निंग। अमर चौधरी सर, डॉक्टर देवेंद्र राठौर जयपुर, देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देखता हूँ, लगातार आपको देखता हूँ कि आप लगातार जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, और आप जैसे लोगों से ही हमें ताकत मिलती है। सुदीप्ति रस्तोगी मैम, जय हिंद। नितिन सुथार साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, स्किलिंग पर किस टाइम से सेशन स्टार्ट है? आज शाम 5 बजे से स्किलिंग पर मेरा सेशन है, टॉपिक है लीडरशिप दिल से, जहां पर हम ये बात करेंगे कि अगर आप एक बेटर लीडर बनना चाहते हैं तो उसमें इमोशंस का क्या रोल है, दिल का क्या रोल है। प्रमोद सहगल साहब की मैं खूबी बता दूं आपको, जय हिंद, आई एम पॉजिटिव एनर्जी। क्या बात कही है प्रमोद भाई आपने, लगातार प्रमोद भाई जब भी उनको लगता है वो मुझे फोन करते हैं और कुछ ना कुछ सजेशंस भी देते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी डिस्कस करते हैं। फिरोज बदला सरपंच साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, संदूपीत साहब गुड मॉर्निंग, सूर्य प्रकाश वर्मा जी मैं भी मोटिवेटर, क्या बात कही आपने वर्मा साहब, राय साहब गुड मॉर्निंग सर, राजा राम सर 11th 12th में मेरे प्रिंसिपल थे, क्या बात है। राय साहब मैं आपको बताऊं, कल से मैंने कई लोगों से उधर बात की है राजस्थान की तरफ, मेरी 4-5 लोगों से बात हुई, आप देखिए मैं क्या शख्सियत से आज हम मिलने वाले हैं। मेरी 4-5 लोगों से बात हुई है और अभी तक एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कभी राजा राम सर ने कभी या तो पढ़ाया ना हो या कभी वो उनके प्रिंसिपल ना रहे हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बलदेव कुमार सेवता सर आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। मैं ये कह रहा था दोस्तों, कई बार परिस्थितियां आपको मुश्किल के तौर पर आती हैं, चैलेंज के तौर पर आती हैं, पर बेसिकली मेरी एक थॉट है, मेरा एक आइडिया है। सुनिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, स्वागत भी करता हूं, और मैं आप लोगों का स्वागत और शुक्रिया दोनों को करूंगा, थोड़ी देर में बोल रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, जब जब अपॉर्चुनिटी, जब जब अवसर आपके पास आएगा, तो मैंने एक लाइन लिखी थी कि अवसर दुनिया की एकमात्र वो दवा है जिसकी बॉटल पर लेबल मुश्किल का लगा होगा।
मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अवसर दुनिया की एकमात्र वो दवा है जिसकी बॉटल पर लेबल किस चीज का लगा होगा, मुश्किल का। अब आपको दूर से वो बॉटल देखने पे क्या लग रही होगी, अरे ये तो कोई मुश्किल रखी है इस बॉटल में, इसके अंदर तो कोई मुश्किल काम होगा, चैलेंज होगा। लेकिन अगर आपने वो बॉटल खोल के निकाल के देख लिया, पता चलेगा उसमें अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन फिर वो अपॉर्चुनिटी के लेबल पे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं लिखा रहता? क्योंकि भगवान भी ये नहीं चाहते कि हर कमजर्फ को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हर बेकारे को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए। भगवान भी ये चेक करना चाहते हैं कि कौन है जो इस मुश्किल नाम की बॉटल को उठाएगा, और जिसने वो मुश्किल नाम की बॉटल उठा ली तो तब उसे पता चलेगा ये तो मैंने अपॉर्चुनिटी उठाई है। दोस्तों कई बार रोल मॉडल है हमारे राजा राम सर, क्या बात है दादाजी, क्या बात है अमित साहू साहब, बिल्कुल 3 से 5 मिनट के अंदर हम राजा राम सर से रूबरू होने वाले हैं। मुझे बड़ा सौभाग्य है कि देखिए मुझे इतनी बड़ी शख्सियत से आज बातचीत करने का मौका मिल रहा है। पर मैं जो बात कह रहा था कि अपॉर्चुनिटी को सर आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि दरअसल हम एक टेक्निकल इशू का सामना कर रहे थे, सर मैं सबसे पहले तो आपको सादर चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला है। नमस्कार, नमस्कार। मैं बड़ा लकी और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ऐसी शख्सियत से लग रहा है। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है संजीव, बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैं कल से 4-5 लोगों से 6 लोग जितने मेरी 4-5 लोगों से बात हुई है, और मैंने जिससे अभी तक बात किया उनका ये कहना, राजा राम सर कभी मेरे प्रिंसिपल रहे हैं, कभी कोई कहते हैं वो मेरे सर रहे हैं, कभी कोई कहता सर वो तो हमारे बड़े रिस्पेक्टेड हैं। क्या पूरा राजस्थान आपने पढ़ाया है सर, मुझे तो अब की बार ऐसा लगने लगा है। ये मेरा सौभाग्य रहा है साहब, ये मेरा सौभाग्य रहा है जी। मैं तो कई बार बोला करता हूँ कि इफ स्टूडेंट्स वर काउंटेड इन मनी आई वुड हैव बीन द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। क्या बात है, और वास्तव में आप रिचेस्ट पर्सन है सर। मैं कल से अभी सुबह मुझे पंकज उप्पल सर जो गुड्डे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं, उनका मैसेज आया कि सर आदरणीय राजा राम सर मेरे प्रिंसिपल रहे हैं। कल मैंने आशीष कंधारी सर से बात की पीली बंगा में, वो बोले सर वो तो सर तो मेरे तो प्रिंसिपल रहे हैं राजा राम सर। मैंने एक मुकेश अग्रवाल जी से गंगानगर में बात की, बोले सर वो तो मेरे प्रिंसिपल रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या मैं ये मान के चलूं कि मैं एक ऐसी शख्सियत से मिल रहा हूं पूरा हिंदुस्तान पूरा राजस्थान जिसका कभी ना कभी शिष्य रहा है। मैं सम्मान के साथ आपको चादर वंदन करता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। बहुत धन्यवाद सर। तमाम लोग नितिन सुथार साहब लिख रहे हैं प्रातः वंदनीय गुरुदेव आपके साथ डीएवी में जो जीवन जिया आज फिर उसकी यादें ताजा हो गई, स्वागत है आपका, क्या बात है। पलक माहेश्वरी साहब लिख रहे हैं सर आप शायद मोबाइल पे हैं तो आप कमेंट्स नहीं पढ़ पाएंगे, मैं आपको कमेंट बताऊंगा। सुस्वागतम सर आप दोनों का, राहुल मंदन साहब कह रहे हैं, श्वेता राजेश सोनी सर कह रहे हैं, तमाम लोग अमित साहू कह रहे थे कि सर कहाँ है राजा राम सर, हम तो उनका मतलब हम तो उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। राजा राम सर हम यहाँ से बात शुरू करते हैं सर, थोड़ा परिचय हो जाए, शुरुआत से परिचय हो जाए। संजीव देखिए मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ था 43 में, और पार्टीशन के टाइम हम लोग रेफ्यूजी के रूप में आए थे, और पाकिस्तान से जब आ रहे थे तो रास्ते का वो सीन मुझे अभी तक याद है जी, वो सीन मेरे को अभी तक याद है। यहाँ आने के बाद में परिवार में पहला बच्चा था जिसको उस वक्त मदरसा बोलते थे, मेरे पिताजी माताजी दोनों अशिक्षित थे, और दो मेरे से बड़े भाई थे वो भी अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने मेरे को भट्टी दे करके भेज दिया कि मदरसे जा, यानी स्कूल भेजा मेरे को, और मैं पहला बच्चा था जिसको स्कूल उन्होंने भेजा था। क्या बात है। तो वो वहाँ से स्कूल मेरा शुरू हुआ, मेरे शुरू के गुरु श्री मोहनलाल जी शर्मा थे जी, उन्होंने मुझे पढ़ाया, अभी दुनिया में वो नहीं रहे, लेकिन उसके पश्चात मेरी 4th क्लास तक की एजुकेशन गांव में हुई, और उसके बाद में मैं पदमपुर पढ़ने के लिए चला गया, 2 साल पदमपुर पढ़ा, उसके बाद में एक मुकलावा है, मुकलावा गांव है जहाँ सीनियर सेकेंडरी खुला स्कूल खुला था, तो 57 में मैं वहाँ चला गया जी। इन 57 आई वेंट देयर एंड आई स्टेड देयर फॉर 2 ईयर्स इन हॉस्टल, 2 साल हॉस्टल में रहा मैं वहाँ, और हॉस्टल में रह करके वो मेरे करियर के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल मिले, बड़े अच्छे टीचर मिले, रादर आई बिकम इमोशनल जब उनको याद करता हूँ। तो और मैं उस वक्त की एक बात बताता हूँ कि 57 के अंदर ये शुरू हुआ था नेशनल अवार्ड,
हमारे प्रिंसिपल ने आके बताया कि आज किसी टीचर को नेशनल अवार्ड मिलता है। तो मैं उस वक्त 8वीं क्लास का विद्यार्थी था, तो एक जिज्ञासा थी कि किसको मिलता है, किसी देश के अंदर सबसे अच्छा जो काम करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने उस दिन ही मन बना लिया था कि कभी टीचर बनकर के ये लूंगा, कभी क्या बात है, टीचर बनकर के ये लूंगा। 8वीं क्लास में मिला तो 99 में जा करके, लेकिन तब तक इंतजार किया मैंने सर, क्या और उस पर ये जी मन बना लिया था। खैर, जी क्या ये स्कूलिंग, उसके बाद में पदमपुर की स्कूलिंग हुई मेरे, गवर्नमेंट स्कूल की स्कूलिंग रही है मेरी। फिर मैं कॉलेज बीकानेर चला गया, डूंगर कॉलेज बीकानेर के अंदर। और जी अभी डूंगर कॉलेज बीकानेर में मेरे एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के रूप में मेरी पहचान थी, एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में पहचान थी। जी और इससे खिलाड़ी के रूप में पहचान थी, इसलिए भाई लोगों ने मेरे को इकट्ठा होकर के, और जब मैं BA फाइनल का स्टूडेंट था तो मेरे कॉलेज प्रेसिडेंट का जी चुनाव अच्छा लड़ा दिया। और मैं डूंगर कॉलेज बीकानेर, जिस उस वक्त भी उस कॉलेज की स्ट्रेंथ करीब 8,000 के आसपास थी, उस वक्त उस जी कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। और सेशन के अंदर उस कॉलेज का बेस्ट बॉय, बेस्ट एनसीसी जी कैडेट, बेस्ट बॉय, बेस्ट शूटर भी जी मैं बना। और ये सारे बनने के पश्चात मैं वहां से MA करी हिस्ट्री के अंदर। बड़े महान अध्यापकों का मेरे को मार्गदर्शन मिला, आपने नाम सुन रखा होगा, PK मजुमदार साहब, इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता, वो मेरे प्रोफेसर रहे हैं। प्रोफेसर क्या बात है, मजुमदार, क्या प्रोफेसर मजुमदार जी मेरे क्या बात है। प्रोफेसर रहे हैं। हाँ जी, मजुमदार साहब ने मुझे पढ़ाया हिस्ट्री MA तक। अमीन साहब, एक बहुत बड़ी हस्ती इतिहास के अंदर, उन्होंने मुझे पढ़ाया। और इसके अलावा मेरे वार्डन मिस्टर भारद्वाज, मैं उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा। हालांकि जी वो मेरे वार्डन कोई 3-4 साल तक वार्डन रहे, उनको उनका उनसे जिंदगी से जिंदगी में जो सीखा, मैंने एक शानदार वार्डनशिप यहाँ DAV स्कूल में आने के बाद मैं 23 साल तक की थी। हालांकि उसके उनके मुकाबले में तो मैं कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उनको जी फॉलो किया। और फॉलो करके मैं वहाँ से MA करने के पश्चात यहाँ वापस आ गया, संगरिया आ गया। संगरिया से मैंने BEd की, और संगरिया से BEd के दौरान मुझे भी फिर बड़े एबल टीचर मिले, बृजनारायण कौशिक, जो आज भी है आपके हनुमानगढ़ में, कभी मिलो जी आप कौशिक साहब। जी और श्री MK सिंह जी, प्रोफेसर MK सिंह जी थे, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और स्वामी जी की मेरे पर जी विशेष कृपा थी, स्वामी केशवरन जी की बहुत भारी कृपा थी। अच्छा वो क्या मेरा खेल बात है देखने के लिए आया करते थे, स्वामी जी मेरे को जी खेलता हुआ देखते आया करते थे। और मुझे मेरे एंट्री में वो जो है उडिंग किया करते थे कि इसको पकड़ के रखो, उसको मैं शहतूत खाने के अच्छा लिए दूंगा। खैर, स्वामी जी का बड़ा प्यार मिला। और उसके बाद में जी मैं DAV स्कूल के अंदर 68-9 के अंदर मैं DAV स्कूल के अंदर आ गया। वहाँ स्वामी जी ही ने मेरे को छोड़ा था वहाँ, और वहाँ भी मुझे एक जी ऐसे संत का मिलने का अवसर मिला, डॉक्टर मदन जी गोपाल, एक बहुत बड़ी हस्ती डॉक्टर मदन जी गोपाल। उन्होंने करीब 70 साल तक संस्था की सेवा की। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और क्या मैं DAV स्कूल के अंदर 23 साल वार्डन के रूप में और 23 साल प्रिंसिपल के रूप में, लेकिन जो जी वार्डन के रूप में मैंने काम, जो मेरे को काम करने का मौका मिला, वो मेरी जिंदगी का यादगार बना। और वो ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को संवारना था, उनको जी तलाश तराशना था। जी अभी ये कहा करते थे कि गांव के बच्चे IAS नहीं बन सकते, गांव के बच्चे IPS नहीं बन सकते, गांव के बच्चे IFS नहीं बन सकते, गांव के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर बन सकते। मैंने ये प्रूव करके दिखाया। और पहले ही साल मैं जिस साल वार्डन बना, पहले ही साल हॉस्टल के विद्यार्थी की पोजीशन आई राजस्थान बोर्ड के अंदर, और एक क्या शुरुआत बात हुई। और उसके बाद में एक टाइम ऐसा भी आया कि पूरे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर उसी हॉस्टल का लड़का फर्स्ट पोजीशन ली। और क्या बात उसके पश्चात एक कारवां शुरू हो गया, और कारवां जी शुरू होते होते DAV स्कूल की रेपुटेशन, DAV हॉस्टल की रेपुटेशन बढ़ने लगी। दूर दूर से बच्चे आने लगे, और उन बच्चों के जी अंदर प्रतिभा मेरे को खूब देखने को मिली। उनको मेरे को संवारने का मौका मिला। ये कट क्या लगता है?
हाँ संजीव जी आ रही है क्या आवाज? हेलो, दोबारा हाँ संजीव जी, आवाज आ बीच रही है में कोई सर, बिल्कुल इंटरवेन हो गया था कुछ, है ना? कोई इशू नहीं हाँ सर, बहुत हम आपको ही सुनने आए हैं। अगर स्क्रीन पर मैं आपको ना दिखाई दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, आप हमें दिख रहे हैं। थोड़ा सा आप अगर मोबाइल को थोड़ा बीच में ले आएंगे सर, तो अभी आपका फेस कट रहा है बेसिकली, थोड़ा सा अगर आप, हाँ सर यहाँ यहाँ सर यहाँ रखिएगा सर, यहाँ रखिएगा सर। ठीक है सर, मैं यहाँ रखूंगा। सर इतनी हाँ बेहतरीन शख्सियत के दर्शन का भी तो लाभ मिलना चाहिए हमें, आवाज तो मिल रही है हमें, दर्शन भी तो जी, लाभ होने चाहिए तो मुझे। मैं, जी हाँ सर, मैं निवेदन कर रहा था सर कि वार्डनशिप के अंदर जी सर, मैं जी शुरू करूं। हाँ जी बोलो, जी सर, हाँ वार्डनशिप के अंदर मुझे जी ग्रामीण बच्चों को संवारने का, उनको तराशने का मौका मिला, और जी मैं निवेदन कर दूं आपको कि बोर्ड के अंदर पोजीशन आनी शुरू हुई, और समय जी रहते रहते निवेदन कर दूं आपको कि एक ऐसा कारवा बन गया, कट रहा, आप बोलते रहिए। एक ऐसा कारवा बन गया संजीव जी, एक ऐसा कारवा बन गया कि एक समय ऐसा आया कि गंगानगर जिले का पहला आईएएस देने वाला वो स्कूल बना, और उसके बाद में आईएएस आईपीएस, पता नहीं मिलिट्री के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लाइन लग गई, एक लंबी लाइन लग गई। मुझे 91 के अंदर प्रिंसिपल बना दिया जी गया, और प्रिंसिपल बनने के जी बाद में हालांकि मैं प्रिंसिपल बनने में इच्छुक तो नहीं था, क्योंकि मैं जितनी सेवा छात्रावास में रह के बच्चों की, ग्रामीण बच्चों की कर सकता था, ग्रामीण जी बच्चों जी की सेवा करता था, इसका मतलब ये नहीं है कि शहरी बच्चे मेरे को उतना ही प्यार था, उनसे भी जी उतना ही ज्यादा प्यार था, और वो बच्चे भी। प्रिंसिपल जी बनने के बाद में मेरे पास कुछ ऐसी कलम हाथ में आ गई कि मैनेजमेंट जी ने मेरे को पूरा फुल हैंड दे दिया, और ये हमेशा सोचा कि अर्थ के अभाव के अंदर कोई बच्चा एजुकेशन के बिना नहीं रह जाए। क्या बात है, मैं क्या निवेदन बात करूंगा आपको कि ऐसे बच्चे जो है, सिर्फ मात्र कमीज पजामा पहन करके आए थे, वो देश के जी अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी बने, वो आईएएस अच्छा बने, क्या वो आईजी बने, वो कई कई दो दो स्टेट के डीजी, महाराष्ट्र के बात डीजी, केरला के डीजी, वो डीजी है, बने। और जी निवेदन कर दूं कि अभी भी आईएएस बैठे हुए हैं आपके हायर एजुकेशन, आप तो हायर एजुकेशन डील कर रहे हो, आपके हायर एजुकेशन जी के जो विशिष्ट शासन सचिव है प्रदीप जी बोर्ड साहब, क्या शानदार बच्चा जी वो मेरा विद्यार्थी रहा है। तो निवेदन करूंगा आपको कि एक अच्छा मजा आया, और प्रिंसिपलशिप के अंदर जी आगे चल करके मुझे एक ऐसा बूम हो गया यहाँ डीएवी स्कूल के अंदर कि हजारों बच्चे भी एडमिशन लेने के लिए आते, और उनको केवल सैकड़ों को दे पाते, बाकी को वापस लौटना पड़ता। ये मेरे को मलाल रहता कि मैं सब बच्चों को एडमिशन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि हॉस्टल में सीट हमारे पास लिमिटेड थी। खैर, जी 93 के अंदर मुझे संगरिया से ये स्वामी केशवानंद ट्रस्ट के द्वारा अवार्ड दिया गया, बेस्ट जी टीचर्स अवार्ड, और उसके पश्चात 98 के अंदर मुझे स्टेट अवार्ड मिला, तत्कालीन गवर्नर ने मुझे स्टेट अवार्ड दिया, और 99 जी के अंदर मुझे नेशनल अवार्ड, जो एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो अवार्ड दिया। और इस अवार्ड के दौरान मुझे पूछा भी गया कि ये अवार्ड कैसे मिल गया एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को, मैंने कहा ये जी मेरा अवार्ड नहीं है, ये मेरे विद्यार्थियों का है, इट इज नॉट माई क्या अचीवमेंट्स। एक्चुअली क्या है कि ये अवार्ड जो मिलते हैं, ये अचीवमेंट उस टीचर का नहीं होता, उसके जी बच्चों का। मैं मेरे मेरे खिलाड़ियों ने जो रिकॉर्ड्स बनाए, मेरे खिलाड़ियों जी ने जो मैदान जीते, और मेरे विद्यार्थियों ने जो एकेडमिक क्षेत्र के अंदर अचीवमेंट हासिल किए, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर जो उन्होंने आयाम कायम किए, जी तो उसकी वजह से, उन बच्चों की वजह से, मैं हमेशा तीन बातों के अंदर विश्वास किया करता था कि जी शिक्षा, संगति, यानी शिक्षा बढ़िया ढंग की, क्वालिटी एजुकेशन दो, और क्वालिटी जी एजुकेशन के साथ साथ उसको जो है
उसको संस्कार दो। आप जरूर देखेंगे कि ओ डीएवी स्कूल के विद्यार्थी आपसे बात कोई भी किया होगा, किसी ने भी बात किया होगा, उसमें एक अलग प्रकार के संस्कार है। तो मैं संस्कारित बनाना जी उनको, और उनको हमेशा ये भी कहा कि आप शिक्षित भी हो गए, संस्कारित भी हो गए, लेकिन आपने कहीं भी जाकर के संगति गलत कर ली तो आपकी ये दोनों चीजें जो है वो नाकाम हो जाएगी। खैर, क्या उन्होंने भी ऐसा किया, बात मेरा जी कहना माना और नेशनल अवार्ड मिला। मैं निवेदन कर दूं आपको कि इस जी दौरान मैनेजमेंट का मुझे पूरा सहयोग मिला, और खासतौर पर विद्यार्थियों का। मैं क्योंकि खिलाड़ी था खेल के क्षेत्र के अंदर, जी मैं हर गेम के अंदर जाया करता था, मैं खुद जाके बैठा अच्छा करता था। हाँ, मैं कभी खुद तो इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं रहा, लेकिन अनेकों इंटरनेशनल खिलाड़ी मैंने तैयार किए, और वो पूरे देश के अंदर, पूरा देश का, राजस्थान का नाम उन्होंने ऊंचा किया। उसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल स्काउट भी हूं, अच्छा और क्या बात है, क्या बात है सर। इस राजा राम नेशनल सर कुछ काउंसिल का आपके मेंबर प्रति बनने का, क्या देश की जो नेशनल जी काउंसिल है स्काउटिंग की, उसका मेंबर बनने का मेरे को अवसर मिला, और 2007 से 10 जी तक मैं जी 3 साल तक उसका मेंबर रहा। मीन भाई, मेरे को क्या बात 2002 के अंदर थाईलैंड के अंदर वर्ल्ड जम्बोरी के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 2007 के जी जी अंदर सेंचुरी जम्बोरी जो थी आइलैंड पार्क यूके के अंदर, वहाँ मैं इंडियन कंटिजेंट का लीडरशिप करने के मुझे सौभाग्य मिला, और 2004 के अंदर मुझे पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर भी भेजा गया पीस मिशन के अंदर, स्काउटिंग के पीस मिशन के अंदर। तो क्या अच्छा बात, लगा। हाँ, बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात है सर, और लेकिन मैं बहुत बहुत निवेदन कर स्वागत है। दूँ, मुझे यकीन जानिए जी, मुझे यकीन जानिए दो तीन बातें मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। आपके काफी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो कमेंट भी कर रहे हैं लगातार। नितिन सुथार जी लिख रहे हैं कि गुरुदेव मुझे याद है जब मैं क्लास 11th में था तो डीएवी असेंबली में पहला गीत गाया चिठिए नी चिठिए, तो आप मुझे स्वामी वहां पे आपका कोई हॉस्टल था स्वामी करके जो वो ऊपर चला, हाँ आप मुझे स्वामी श्रद्धानंद हॉस्पिटल में मिलने आए, बड़ी याद आ रही है डीएवी की। ये नितिन सुथार भाई लिख रहे हैं, सूर्य प्रकाश वर्मा जी लिख रहे हैं, राम स्वरूप जी सुथार जो कि भांबू वाली ढाणी एक छोटे से गांव से हैं, वो राजा राम सर से पढ़कर आज साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, तमाम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके इस परिचय में मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी सर। एक तो आपके चेहरे पे जो खुशी और प्रसन्नता है वो इस बात की प्रसन्नता कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस आईपीएस कैबिनेट सेक्रेटरी एमएलए एमपी साइंटिस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हैं। किसी टीचर के चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता तब आती है जब उसके बच्चे बड़े बन गए हो, तो ये खुशी देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और दूसरा बिल्कुल आपका बड़प्पन कि आप अपनी सारी कामयाबी के श्रेय या तो अपने टीचर्स को दे रहे हैं और या अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। ये बड़े लोगों की पहली खूबी होती है कि वो श्रेय दूसरों को दे देते हैं और ब्लेम खुद ले लेते हैं। मैं ऐसे शख्सियत से मिलकर अभी भी तो स्वागत है सर आपका। राजाराम सर मेरा अगला सवाल, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपको कि हाँ जी, आपने मैं शरणार्थी वर्ड यूज कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, जब आप वहां से आए होंगे पाकिस्तान से तो शरणार्थी मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, उस समय शरणार्थी बोलते थे, जी हाँ जी हाँ, शरणार्थी बैठी से विद्यार्थी, विद्यार्थी से बेस्ट विद्यार्थी, बेस्ट स्काउट, बेस्ट शूटर, बेस्ट स्पोर्ट्समैन, फिर टीचर, फिर बेस्ट टीचर, फिर प्रिंसिपल, फिर बेस्ट प्रिंसिपल, फिर प्रेसिडेंट अवार्डी। इतने सब के बावजूद ये घमंड आपको छूकर पास से नहीं निकला, इसका देखिए, क्या राज है? मेरे मेरे माता पिता, मैं निवेदन जी कर दूं आपको कि माता पिता जी का संस्कार, मेरे जी पिताजी, माताजी और दो मेरे से बड़े जी भाई, दो तो जी मेरे बड़ी भाभियाँ, मेरे को परिवार से मेरे को जी संस्कार मिला, और वो संस्कार मेरे साथ चला हमेशा ही। मेरे टीचर से मुझे संस्कार मिला, और मैं बता दूं संजीव जी कि मैंने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा। मैंने पूरे जीवन के अंदर अपने विद्यार्थियों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, मैं हमेशा इनसे सीखता रहा हूँ, कुछ ना कुछ रोजाना सीखता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि घमंड किस बात का, मैं तो एक साधारण किसान का बेटा था, और जी लेकिन मेरे को कमी किसी बात की नहीं छोड़ी। यानी मैं एक जी जी शरणार्थी के रूप में आया था, बावजूद उसके भी मुझे यूँ समझूंगा कि मैं कहूँगा कि आई वॉज बोर्न विद सिल्वर स्पून, यानी ऐसे पेरेंट्स के यहाँ पैदा हो गया जिसको किसी बात की कमी मेरे नहीं छोड़ी उन्होंने। जी तो ये कहीं घमंड आने का तो कोई सवाल ही नहीं था, घमंड वाली मेरे पे कोई किसी बात भी नहीं थी, क्योंकि मेरे से जी बहुत अच्छे अच्छे बड़े श्रेष्ठ
स्वामी केशवानंद जी के पास रहा हूँ, डॉक्टर मदन गोपाल जी के पास रहा हूँ, डॉक्टर मजुमदार के पास रहा हूँ, अमीन साहब के पास रहा हूँ, ऐसे महान शख्सियत की से मैंने शिक्षा ग्रहण की है और अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे विद्यार्थी पढ़ाए हैं जिनके पास इतने बड़े बड़े अधिकारी बन गए, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी है, चाहे फौज में जनरल है, चाहे कहीं डीजी है, तो उनके अंदर आप घमंड नहीं देखोगे कहीं भी, कभी भी घमंड नहीं हाँ, देखोगे वो मैं इसलिए पूछ रहा बिल्कुल। था सर, ये आजकल के हालात ऐसे हैं कि चाय से ज्यादा गर्म ना केतली होती है, उतनी गर्म तो चाय भी नहीं होती जितनी गर्म केतली हो जाती है। जितने कुछ हासिल नहीं किया उस पे इतना गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है। और आप जैसी शख्सियत, मुझे वो बात याद आ रही है कि पेड़ जितना फलदायी हो उतना झुकता चला जाता है, आपको देखकर वो आपकी शख्सियत में झलकता भी है। राजा राम सर, आपके तमाम लोग आपको चरण स्पर्श बोल रहे हैं, आपके ब्रजलाल शर्मा जी, ललित राठौर जी, नितिन सुतार साहब, बहुत सारे लोग हैं, अमित साहू जी, अक्षय शर्मा जी, बहुत तमाम लोग। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद उनको, जी, सर मेरा आशीर्वाद आपने सबको दे तकरीबन, दो। जी, आप सबको आशीर्वाद है जी, राजा राम सर आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। देवेंद्र सिंह राठौर साहब जयपुर से कह रहे हैं कि राजा राम सर से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मैं सर ये जानना चाह रहा हूं, आपने पिछले 50-60 साल के बदलाव देखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखा है सर, देखिए तीन मैं चीजों में आप इसको क्या बदलाव है, उसको तीन भागों तीन में चीजों में आप बांटूंगा। क्या, मैं जी ये मैं भी जो तीन चीजें पूछना चाह जो मैंने चेंज देखे हैं वो मैं तीन भागों में बांटूंगा। रहा था देखिए, जी। एक तो 1980 तक का पीरियड था, 1980 तक के जो पीरियड के जो बच्चे थे उनको, और 80 से 2000 तक के बच्चे, और 2000 से 2020 तक के, क्योंकि मैं आज भी टीचर हूँ, मुझे तो गर्व इस बात का है कि मैं आज भी टीचर हूँ। तो खैर, अच्छा, हाँ हाँ अभी अभी भी डायरेक्टर हूँ तो टीचर तो हूँ ही, क्या अभी भी मैं बात है, संस्था में, यस डायरेक्टर हूँ तो टीचर तो हूँ ही, पहले टीचर हूँ जी, उसके बाद मैं डायरेक्टर हूँ। क्या अभी मेरे बात को है, क्लास में जाना बहुत पसंद है, मुझे पॉलिटिकल अच्छा, साइंस की क्लास में क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो बहुत मजा आता है, मैं इंटरनेशनल जी, पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ तो बहुत मजा आता है मेरे को, जब मैं हिस्ट्री अच्छा, पढ़ाता हूँ तो बहुत मजा आता है मेरे को, क्या तो बात, अभी भी मैं जाता हूँ, अभी भी टीचर हूँ मैं। तो जी, खैर मैं ये निवेदन कर दूँ आपको कि जी मैंने हमेशा पॉजिटिव साइड को देखा है, और जी ये जो चेंज आए हैं मैं इनको जी नेगेटिव किसी भी साइड में नहीं कहूंगा। मुझे 80 तक के जी विद्यार्थियों का भी ध्यान है, जी वो आज्ञाकारी थे इसमें कोई शक नहीं, आज्ञाकारी हाँ थे, जी पनिशमेंट को भी झेलते थे बहुत, 80 तक मैं बहुत पनिशमेंट देने वाला टीचर था, पनिशमेंट को भी झेलते थे, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि किसी पेरेंट्स को ही जो है उनकी शिकायत लेके नहीं आया करता था, ना कोई पेरेंट्स उनकी सुनता था बेचारों की, वो मेरे जी मेरे ही भरोसे थे, टोटली मेरे भरोसे थे। खैर जी 80 तक, लेकिन 80 के बाद में प्रिंसिपल देना बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं जी प्रिंसिपल दिया, और प्रिंसिपल बनने के बाद में तो अगर कोई दूसरा टीचर भी प्रिंसिपल देता तो मुझे बहुत बुरा लगता, हालांकि वो कहते अच्छा सर मेरे पढ़ाए हुए टीचर बन गए थे, वो कहने लगे साहब आप हमने हमें प्रिंसिपल दिया है, मैंने कहा दिया नहीं होगा लेकिन अब ये जमाना नहीं है। खैर है मैं ये देखता हूँ कि मैंने जो चेंज पाया है, जी बच्चे की आईक्यू में दिन रात फर्क पड़ता जा रहा है, वो आईक्यू जी जो है अब का बच्चा, अगर मैं 60s के बच्चे से तुलना करूं आज के बच्चे की, तो आईक्यू में रात दिन का अंतर है, आज का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। रही बात जी डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन बच्चे हर युग में एक जैसे ही रहे हैं, कोई अच्छा ऐसा बात नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे तो जी 60s के दशक में भी उतना प्यार दिया, 70s के दशक में उतना प्यार दिया, 80s के दशक में उतना प्यार दिया, 2000 तक भी उतना प्यार दिया, और आज तक भी मेरे, अभी भी मैं टीचर हूं तो उतना ही प्यार मिल रहा है बच्चों का मेरे को, और ये डिपेंड करता है टीचर पर, खुद पर, क्या निवेदन करूं बात आपको कि ये टीचर पर खुद पर डिपेंड करता है। जी, और अगर बच्चे को आप प्यार करोगे, मैं हमेशा अच्छा मेरे टीचर को बोला करता हूं कि आप बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखो, जी जिस बच्चे के सिर पर आपने हाथ रख दिया जी तो वो बच्चा बनेगा। और मेरे को याद है कि ऐसे ऐसे बच्चे मैंने पकड़ लिए थे छोटे छोटे, उनके सिर पर हाथ रखा, वो पता जी नहीं क्या क्या बन गए, लेकिन क्या आज बन गया, भी याद करते हैं, क्या मेरे बात से जुड़े हुए हैं। है, जी जी संजीव जी जी मेरे जी को क्या खुशी इस बात की, बात की क्या है कि अनेकों बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं आज भी, मेरे को भूले नहीं है, जी, वो मेरे को याद मैं करते हैं देख टाइम पा टू रहा हूँ, टाइम वो। मैं कमेंट्स में जी देख पा रहा हूँ सर, रविंदर सहारन साहब कह रहे हैं आपके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला, पावन चरणों में कोटि प्रणाम। युवराज सारस्वत साहब कह रहे हैं माय फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। ब्रजलाल शर्मा NY जी कह रहे हैं सर हम आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हो गए। हंसराज रोकना साहब, चरण स्पर्श गुरु, वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर साहब, गुरुदेव तो गॉड ऑन अर्थ हैं,
पार्थ हिसारिया जी एक नहीं पहले, मतलब तमाम लोग ऐसे हैं सर। गुरु जी चरण स्पर्श अजीत सिंह जी बोल रहे हैं, अमित साहु जी इसी स्माइल के कर रहे हैं, आज भी सर स्वस्थ हैं। तमाम लोग जो आपको मतलब भगवान के बराबर मानते हैं। मैं राजेंद्र राठौर टिब्बी से, राजा राम जी बिश्नोई गॉड ऑन अर्थ हैं, क्या बात है। आप देखिए कितना मान सम्मान आपने कमाया है सर, और आपको देख के मेरे मन में भी कहीं एक इच्छा पैदा हो रही है, क्योंकि मैं टीचर तो नहीं पर ट्रेनर तो हूँ। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ टीचर, कि अगर हम कुछ करें तो थोड़ा बहुत अगर आपके 1% भी कर पाएंगे तो शायद हम भी एक बेहतर जीवन के इस मुकाम पर पहुंचेंगे, तो शायद कुछ लोग हमें कहेंगे। मुझे आपने एक बात बड़ी अच्छी याद दिला दी सर, कि बच्चे के सर पे हाथ रखिए। मैं हमेशा टीचर से एक बात कहा करता हूँ कि आप बच्चे से कहते हो तू नहीं कर पाएगा। मैंने कहा ये बात तो कोई सड़क चलता हुआ भी बोल सकता था उस बच्चे से, उसके पड़ोस में रहने वाला कोई धोबी जो जो कपड़े पे प्रेस करता है वो भी बोल देता तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका पड़ोसी भी बोल देता, उसके फूफा जी भी बोल देते, तुमने कौन सा महान काम कर दिया बच्चे से ये बोल के कि तुम नहीं कर पाओगे। इस तुम नहीं कर पाओगे बोलने के लिए तो टीचर बनना जरूरी नहीं है, आप सड़क पे बस कंडक्टर होते तो भी बोल देते, तुम कर पाओगे ये बोलने के लिए आपको टीचर बनना जरूरी है, ये बोलने के लिए। कितनी बड़ी बात आपने कही है सर, क्या बात है। मैं राजाराम सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं क्या आज के पेरेंट्स को आप, क्योंकि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है बच्चों के जीवन में। एक्चुअली क्या है, मैं ये बताऊं कि पेरेंट्स का, यस पेरेंट्स का रोल बहुत है, कि आज की शिक्षा प्रणाली में थोड़ा अंतर आया है, और अब जो है घर पे जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए या खुल गए, तो उनको पेरेंट्स खुद पढ़ा नहीं पा रहे हैं बेचारे, और आजकल एक एक बच्चे हैं ज्यादा ये सिस्टम है, तो इसमें जो है थोड़ा सा वो बच्चों को घर पे ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन मुझे जो है पेरेंट से ना तो पहले कभी शिकायत थी ना आज है, आज तो इसलिए कि मैं जिस जगह डायरेक्टर बैठा हूँ तो मैं ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, उनके नाना का, दादा का, उनके परदादा का टीचर रहा हूँ, तो मेरे को शिकायत नहीं करते, वो मेरे को शिकायत नहीं करते, कोई शिकायत लेकर के मेरे पास नहीं आते, मेरी प्रिंसिपल की शिकायत लेके नहीं आते, मेरे टीचर्स की शिकायत लेके नहीं आते, कभी कोई शिकायत लेके नहीं आते। गुरुजी जी वो इस बात की लिहाज रखते हैं कि गुरुजी अंदर बैठे हुए हैं, तो अभी भी पेरेंट्स का, हाँ आजकल पेरेंट्स जागरूक जरूर हो गए हैं, पहले तो भरोसे छोड़ दिया करते थे कि राजाराम जी आपके ही भरोसे है, ये आपका ही बच्चा है, और अब ये है कि अब थोड़े जागरूक हो गए हैं, वो पूछते जरूर हैं, लेकिन मेरे से पूछने की हिम्मत कर कम कर पाते हैं। जब मिलने आते हैं तो पूछते हैं साहब पोता आपका कैसे चल रहा है, अब वो ये नहीं कहते कि आपका स्टूडेंट कैसे चल रहा है, आपका पोता कैसे पढ़ रहा है साहब, मेरे का बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और मैं हमेशा होपफुल रहता हूँ, मैं हमेशा हमेशा होपफुल रहता हूँ। तो पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और बिना पेरेंट्स के कोऑपरेशन के आप बच्चे को बढ़िया एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते, उनका उनका योगदान तो जरूरी है। अपने पास तो 6 घंटे बच्चा रहता है, हॉस्टल के बच्चों को छोड़ करके 6 घंटे बच्चा अपने पास रहता है, 18 घंटा तो माँ बाप के पास रहता है, तो उनका कोऑपरेशन जरूरी है, और वो मिल रहा है। सर सीता सर हमसे जुड़े हैं, बड़े सम्मानित हैं और सीनियर हैं हमारे, वो कह रहे राजा राम जी के चरणों में सादर प्रणाम, आज के अध्यापकों को भी सर राजा राम के आचरण ग्रहण करने की आवश्यकता है ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल बन सके, क्या बात कही है। हंसराज रोकना जी कह रहे हैं गुरुजी मैं आपको बहुत से अनुभव जो बच्चों के साथ हुए उनका साक्षी रहा हूं, आपके सानिध्य में मुझे पढ़ाने का भी मौका मिला है। अजीत सिंह जी कह रहे हैं मैं तो नैनीताल में बैठ के गुरुजी को लाइव देखकर धन्य हो गया। राजा राम सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जिस समय आपने टीचिंग की उस समय टीचर होना मतलब बड़ा सम्मान का विषय था, मैं तो इसको ऐसे फ्रेज करूंगा इस क्वेश्चन को कि टीचिंग कभी राम हुआ करती थी, राम मतलब जो सबसे भगवान सबसे आगे चले जी, और आज टीचिंग रामू काका हो गई है जो सबसे पीछे आ गई है। नहीं मैं नहीं मानता इस, मेरा नहीं, नहीं, मेरा मैं नहीं मानता, मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ संजीव जी, मैं इस बात में सहमत नहीं हूँ। टीचर पहले भी राम था जी, विद्यार्थियों के लिए टीचर पहले भी राम था, अगर वो टीचर था तो मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, मैं उस व्यापारी की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपनी शिक्षा को बेचता है। जी 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 राजा राम सर मैं टीचिंग की बात कर रहा हूँ सर, मैं टीचर नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट कर लेता हूँ सर, मैं टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचिंग की बात कर रहा हूँ। पहले टीचर बनना है, टीचिंग प्रोफेशन में आना प्रायोरिटी हुआ करती थी,
अब टीचिंग में आदमी कमाता है, चलो भाई पटवारी में नंबर नहीं आया, रेलवे में नंबर नहीं आया, कहीं जॉब नहीं लग रही, तो चलिए मैं टीचर बन जाता हूं, तो इस नहीं नहीं बदलाव नहीं को कैसे ऐसा नहीं है देखें? बिल्कुल, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जी बताइए। ऐसा जो है ऐसा नहीं है। टीचर को अभी भी जो है टीचर को बड़ी सम्मान के साथ लोग स्वीकार करते हैं टीचरशिप को। और मुझे जी तो मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे को एक जन्म और दे अगले अगला जन्म, तो मेरे को टीचर ही जी बनाना, और टीचर क्या बनने के बात है, साथ क्या साथ बात, और मेरे को विद्यार्थी यही देना, तो आपके दिए है मेरे को यही माँ अच्छा बाप देना, क्या यही बात। बेटे औलाद देना, और ऐसे ही बच्चे मेरे को, जी ऐसे ही विद्यार्थी देना। मैं तो जितने हमेशा लोग टीचर्स हैं, भगवान से मैंने प्रार्थना करता हूं कि इन्हीं विद्यार्थियों को दोबारा देना मेरे को। क्या बात, जितने अभी भी तमाम अभी लोग संजीव जी, टीचर्स मैं तो हैं। अभी मैं जी आपको निवेदन कर दूं कि अभी तो मेरे 23 साल पड़े हैं शिक्षा के अंदर, और काम करना करना है मुझे। अच्छा क्या बात है, क्या बात मैं है, तो 77 का हुआ बहुत हूं अभी। सेवेंटी क्या सेवन तो कोई ज्यादा नहीं है, 23 बात ईयर्स आर देयर, 23 साल आप पड़े बिल्कुल हैं। शताब्दी, तमाम हजारों बच्चों की दुआएं, बच्चों का मतलब यकीन जाने जिस तरह के मैं आपके बारे में कमेंट पढ़ रहा हूं, हजारों बच्चों की, हजारों शिष्यों की दुआएं आपके साथ हैं, आप शतायु होंगे। और मुझे आज आपसे एक बड़ी सबक सीखने को ये मिला कि अगर हम टीचर हैं तो टीचिंग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता जनरल बन होनी चाहिए, गया मजबूरी नहीं। क्या आज बात मैं मेजर जनरल बन गया, आज मैं वाइस एयर चीफ मार्शल बन गया, आज मैं डीसी बन गया, आज मैं आईसी बन गया, आज मुझे सेक्रेटरी बना है दिया सर, गया, आज मैं उस जिले का कलेक्टर लग गया। ये सुनता हूं तो मेरी आयु बढ़ती है, जी क्या ये बात है, बातें मैं क्या सुनता बात हूं। है, मैं क्या तो सर मेरा एम्स में हो गया, मेरा आईआईटी के अंदर हो गया, मेरा वहां हो गया, मैं वहां लग गया, ये रोजाना रोजाना टेलीफोन आते रहते हैं और उनसे मेरी आयु बढ़ती रहती है। राय तो साहब कह निवेदन कर रहे दूं हैं कि कि राजा राम सर को देखकर टीचर बनने की सोची और आज हरियाणा में बायोलॉजी लेक्चर हूं, क्या बात है। आप मोहनलाल सारंग जी कह रहे हैं कोटि प्रणाम गुरुदेव को, जिन्होंने गुरु और फादर की भूमिका को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया, क्या बात है, क्या बात है। मैं आप जैसे व्यक्तित्व से मुलाकात करके सर धन्य पा रहा हूं अपने आप को। पूजा चड्ढा जी सैल्यूट टू योर पॉजिटिविटी सर, क्या बात है। पूजा मैम ने शायद ये इस बात पे लिखा है जब आप ये कह रहे हैं कि अभी तो मैं 77 का यूं 23 और अभी मेरे पास है। पूजा मैम बिल्कुल क्या बात आपने कही, अशोक अग्रवाल जी वंदे मातरम अमर सरन श्री राजा राम सर। मैं तो राजा राम सर मैं एक चीज जानना नेहरू चाह जी रहा हूं, अपने सामने पंक्तियां आज का रखते थे, दौर जी नेहरू जी पंक्तियां रखते थे, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस्ड टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अभी मेरे को बहुत चलना है, मेरा काम बहुत क्या बकाया बात पड़ा है, है, बहुत क्या बकाया बात पड़ा है। है। आप यकीन जानिए सर, आपकी सकारात्मकता, आपकी एनर्जी और आपके चेहरे की मुस्कान को देखकर ना यकीन जानिए मुझे रश्क हो रहा है। रश्क बोलते हैं एक हल्की सी ये सोच कि यार हमारे पास ऐसी मुस्कान क्यों नहीं है, ऐसी एनर्जी, ऐसी पॉजिटिविटी हमारे पास क्यों नहीं है, जबकि बिल्कुल आप मेरे लिए एक आदर्श के तौर पर स्थापित होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सर ये जानना चाह रहा हूं सर आपसे, आजकल की जो 2 मिनट मैगी वाली जो जनरेशन है, जिसको सब चीजें शॉर्टकट से चाहिए, चीजें जल्दी चाहिए, उनके लिए कोई संदेश सर? किनके लिए, सॉरी, जो 2 मिनट मैगी मोटिव, दो दो मिनट में मैगी बन जाती है ना आजकल, तो सफलता अरे भी दो सर मिनट में चाहिए, सफलता भी जल्दी से चाहिए, देखिए सर, मैंने अभी टेस्ट शॉर्टकट करके देखे, से चाहिए। हाँ मैंने जी मैंने अभी तक टेस्ट करके देखी नहीं है, लेकिन मैं फास्ट फूड के बहुत खिलाफ हूँ मैं इसके। अच्छा हाँ क्या मैं बात, बच्चों को कहता हूँ कि मैंने नहीं, आप ताजुब करोगे, मैंने अभी तक सिनेमा नहीं देखा, मैंने फिल्म नहीं देखी अभी अच्छा तक, किचनी में घर में जा करके कभी एक बार भी नहीं देखी, क्या बात है, कभी क्या सिनेमा घर बात के अंदर जा करके फिल्म नहीं देखी। और निवेदन कर जी दूं कि पाकिस्तान में हम गए हुए थे तो दो स्टेडियम पास पास में है, मोहम्मद अली जी जिन्ना स्टेडियम, और ये दोनों पास पास में, तो एक तरफ इंडिया का पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था, मैं जी अकेला आदमी था देखने नहीं गया, क्रिकेट मैच देखने अच्छा नहीं गया। हाँ बिल्कुल, तो मेरे को कुछ है, मैं कभी सिनेमा गया हूँ एक बार भी नहीं गया, और जी किसी प्रकार का नशा मेरे जीवन में कभी भी नहीं किया जी क्या बात है, किसी प्रकार का। अभी भी इस उम्र में मैं 8 किलोमीटर रोजाना घूमता हूँ, मेरे घर में ही, मैं घर के अंदर हूँ, अच्छा जी आइसोलेटेड हूँ, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा हूँ, और अभी भी 8 किलोमीटर रोजाना घूमता हूँ, क्या घर में बात 100 मीटर का ट्रैक है। जी और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सादा खाना और जी सादा रहना,
जी और यहाँ से जा करके मेरे दरवाजे में बैठते हो, 4 घंटे बैठ करके मेरे स्टूडेंट्स को याद करता हूँ, मेरे परिवार के सदस्यों को याद करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको कहता हूँ कि अभी देखिए अब थोड़े दिनों की बात है, ये अपने अभी बिल ओवरकम दिस, ये जो अपने सामने समस्या आई है ये आदमी के सामने आती, क्योंकि जी हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ मैंने, जी वो 1918 वाला भी पढ़ा था, 1918 के अंदर किस तरह से स्पेनिश वायरस आया था और कितने लोगों की जान गई थी, तो एक उसका भी समय गया, वो भी गया। उसके बाद में 1932 का डिप्रेशन आया था, वो भी देखा था। उसके बाद में ये हिस्ट्री के विद्यार्थी के रूप में 15वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर दी ब्लैक डेथ कोई बीमारी आई थी, 1/3 पॉपुलेशन चली गई थी, फिर भी आदमी जो है जिंदा तो रहा। लेकिन अब जो हाँ है नरेंद्र, क्या बात, ये वायरस आया, इसके क्या लिए मैं बात। निवेदन ये करूंगा कि ये आपके बुलाने से आता है, ये आपके बुलाने से आता है, ये अपने हाँ आप चल के, ये अपने आप चल के नहीं आता। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग अच्छा एंड आइसोलेशन इज मस्ट, जिसका मैं पालन कर रहा हूं। क्या मेरे बात, मेरे 55 साल के बाद बेटे, मेरी बेटे की उम्र 56 साल की है, मेरा मेरा छोटा बेटा 51 साल का है, इन सब मेरे पोते बड़े बड़े हो गए, दोते बड़े बड़े हो गए, सारे हो गए। मैं निवेदन कर दूंगा आपको कि अभी भी मेरे मेरे नियमों को मैं, मेरे अपने अनुशासन को जी मेंटेन करता हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम मेरे पास जो अनुशासन को पालन करता है वो ही विल जी सर्वाइव एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। में विश्वास करता हूँ कि अगर आप फिट क्या बात रहोगे, है, अगर अपने को क्या अपने बात आप को है, फिट पाओगे तो सर्वाइव करोगे, आपको डर किस क्या बात का बात है। है, क्या बिल्कुल बात है। तमाम जी लोग, जी अशोक अग्रवाल जी कह रहे हैं मुझे बहुत सीखने को मिला, दीपक कुमार साहब कह रहे हैं गुरुदेव हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, रामवीर तंवर साहब कह रहे हैं आपको प्रणाम, सैन्य नायक साहब कह रहे हैं कि राजाराम जी सर से मैं पढ़ा हूं, और मुझे जो एक कमेंट मैं यहां पढ़ना चाह रहा हूं सर, भावना बेंदेकर मैम का, नागपुर से हैं, काश आप जैसे टीचर हमारे नसीब में होते। लेकिन इस कमेंट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वो है, मगर हाँ हम खुद ऐसा टीचर बनने की कोशिश करेंगे। भावना मैम, एक बात के लिए मैं आपकी तारीफ कर दूं, जब कोई भी अच्छी बात या पॉजिटिव बात चलती है तो 3 तरह के लोग होते हैं, मैं हमेशा कहता हूं सर 3 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक जो बीमारी की बात करते हैं, बीमारी मतलब समस्या, यार आजकल ऐसे टीचर नहीं मिलते, आजकल ऐसे टीचर नहीं मिलते। एक होते हैं समझदारी की बात करने वाले, बीमारी की और समझदारी की, ऐसे टीचर जी होने चाहिए, ऐसे टीचर होने चाहिए। और तीसरे होते हैं सर जो जिम्मेदारी की बात करते हैं कि मैं ऐसा टीचर बनूंगी। तो मुझे सबसे अच्छी बात यस ये लगी यस भावना जी बिल्कुल आपके कमेंट की, आपने जिम्मेदारी की बात करी है कि मैं ऐसा टीचर बनूंगी। मैंने मोटिवेशन बातें सुनने के बाद 90% लोगों को ये बोलते सुना है, हाँ सर ऐसा ही होना चाहिए, किसी को ये बोलते नहीं सुना कि सर मैं ऐसा करूंगा। तो राजाराम सर देखिएगा, आपको सुन के लोग कह रहे हैं कि मैं ऐसा बनूंगी, क्या बात है, ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है सर। एक रुपेंद्र भाई है थैंक हमारे यू सर, जिनका एक सवाल है, उसका जवाब मैं दे देता हूँ, वी नीड सक्सेस इन शॉर्ट पीरियड हाउ। रुपेंद्र भाई कई बार आप ये सवाल पूछ चुके हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, कामयाबी जो है वो सर पे कटे हुए बालों की तरह है, आप अगर गंजे हो गए तो बाल उतने ही दिनों में आएंगे जितने दिनों में आने चाहिए। आप अगर महान आदमी भी हैं, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हैं, बहुत ज्यादा स्किल्ड भी हैं, तो बाल आपके तीसरे दिन नहीं आएंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, और माली सींचे लाख पेड़, ऋतु आए फल होए। आप पेड़ में 2 बोरी खाद डाल दोगे, 6 बाल्टी पानी डाल दोगे, तो कल को पेड़ पे फल नहीं लग जाएंगे। फल तो तभी लगेंगे जितना समय उन्हें लगता है। कामयाबी अपना समय लेती है और उसको समय लेने दीजिए, क्योंकि जो कामयाबी समय से पहले मिलती है वो समय से पहले छोड़ के चली भी जाती है। राजाराम सर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था हाँ कि सर बोलिए। कोई ऐसा काम सर जिसको याद करके ऐसा लगता हो कि हाँ मैंने कुछ किया, और कोई ऐसा काम जिसको ना कर पाने का मलाल हो। यस हाँ मैं बताऊँ आपको कि जी मैं बोर्ड का मेंबर था और जी एक बार आ रहा था तो किसी स्कूल को चेक करना था, तो रास्ते में एक जी बच्चा, स्कूल का रास्ते का मेरे को ऊपर ध्यान नहीं था, तो मैंने जी एक बच्चा खड़ा था उससे पूछा, मैंने कहा स्कूल का रास्ता कहाँ है, तो उसने कहा जी वो स्कूल का रास्ता है मैं वहीं पढ़ता हूँ, जबकि उसने सिर पर तगारी ले रखी थी, अच्छा उसने सिर पर तगारी उठा रखी थी, और वो बोला जी मैं वहाँ पढ़ता हूँ 8वीं क्लास के अंदर। मैंने कहा तू पढ़ता है और तगारी उठा रखी है, कि सब क्या करूँ, मेरे को फीस इकट्ठी करनी है। मैं उसी दिन अच्छा उसको साथ ले आया
और निवेदन कर दूंगा, आप अभी सूरत मेडिकल कॉलेज के अंदर वो फाइनल का स्टूडेंट है, एमबीबीएस फाइनल का स्टूडेंट। नमन आपको सर, नमन। उस बच्चे को तो खैर एक तारीफ करूंगा ही, पर आपको नमन सर। वास्तव में ऐसे एक प्यारा, ऐसे टीचर हो तो क्या बात हो। एक और निवेदन कर दूं कि एक वो बच्चा, अभी मैं मेरे बेटे को पिलानी गया हुआ था साथ, छोटे वाले बेटे के साथ, तो मैं जी बादरा रुका, और बादरा रुक करके एक विद्यार्थी था, मैंने कहा चला वो बच्चे का बीमारी का सूचना मिली थी, उसको मिलके चलेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि साहब, डॉक्टर मेरे दोस्त थे, उन्होंने खाना वाना बनाया, कह साहब खाना खाओ। मैंने कहा चलो पहले वो जो पेशेंट आया उसको देख लो। कह नहीं, बाद में देख लेंगे। मैं नो नो नो, दिस इज योर प्रायोरिटी, सही है, और पहले उसको देखिए, बाद में खाना खाएंगे, और मैं साथ ही चलता हूँ अच्छा आपके। तो मैं वहाँ जी गया, तो एक्चुअली जिस बच्चे को मैं मिलने के लिए जा रहा था वही बच्चा वहाँ था, उसको लेके आए रखे था। जैसे ही उस बच्चे ने मेरे अच्छा को देखा, उसकी आधी बीमारी दूर हो गई, और शाम तक, अगले दिन तक मैं वहाँ रुका, वो बच्चा ठीक हो गया। आज वो अच्छा बहुत ऊंचे श्रेणी का जो है आर्किटेक्ट है। इसका साहब, मेरे पास तो एक बच्चा मेरे पास आया, कैसा, जी मेरे पास तो कमीज पजामा है और कुछ है नहीं। मैंने कहा बेटा कोई जी बात नहीं, हॉस्टल में तो अपने खर्चा ज़्यादा लगेगा, तू मेरे घर खाना खा अच्छा लिया कर। उसने घर पे खाना खाना शुरू कर दिया। जी आज एडिशनल डीजी है वेस्ट बंगाल के अंदर, अच्छा वही बच्चा एडिशनल डीजी है। सर, एक बार मैं खड़े होके आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको सादर वंदन करता हूं आपको खड़े थैंक यू होकर। सर, मतलब थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं भी कहीं ना कहीं टीचिंग से जुड़ा रहा हूं, और मुझे गर्व महसूस हो रहा है, और तमाम लोगों को गर्व महसूस हो रहा होगा आज जो टीचर हैं, कि ऐसे भी टीचर हमारे जिंदगी में हुए हैं, लोग ऐसे भी टीचर हैं। और यकीन जानिए सर, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं भी आपके ही कदमों पर चलूंगा, ये मेरा आपसे थैंक वादा यू, है। थैंक यू, थैंक यू। कभी मैं कभी आप कभी पाकिस्तान मिलने आऊंगा बॉर्डर संजीव, मैं कभी आपसे मिलने आऊंगा कॉलेज में। बाबूलाल जी मेरे मित्र हैं, मैं बाबूलाल जी आपसे मेरे, मिलने आने वाला हूँ सर, लॉकडाउन खुलते ही मैं आपसे मिलने आने वाला हूँ। हाँ, मेरी मेरी पुत्र वधु, जी मेरे पोत्र वधु, पोत्र वधु आपकी एसकेटी की स्टूडेंट है, मेरी अच्छा पोत्र वधु तमन्ना आपके जी 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 एसकेटी की स्टूडेंट है, अभी उसका उसका मैसेज आया है। क्या कर रही है वहां से वो? मेरे पोत्र वो वधु, बीएससी की उसने जी। वहां से बीएससी की थी आपके यहाँ से, एसकेटी अच्छा से, क्या बात पीली बंगा की लड़की जी है तमन्ना, जी एक खूबसूरत सी लड़की थी मेरे जी विद्यार्थी की लड़की है वो, तो वो बच्ची आपकी स्टूडेंट रही है। मेरे मेरा एकमात्र पोत्र है, वो गवर्नमेंट सर्विस में, उसकी वाइफ है वो, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, एमएससी कमाल। मैथमेटिक्स किया उसने, बीएससी आपके यहाँ से की थी उसने जी। जी। सर, आप श्री कुशलदास विश्वविद्यालय को किस नजरिए से देखते हैं? यहां मेरा मैं सवाल कहता हूं ये कि है। ये एक माइलस्टोन, बाबूलाल जी ने, हालांकि बाबूलाल जी मेरे मित्र रहे हैं, और मेरे को जी एक छोटी सी कहानी भी याद है कि एक बार मैं बोर्ड का मेंबर था, तो इनके स्कूल का इंस्पेक्शन जी जी किया, और मैंने कुछ जी ज्यादा सख्ती दिखा दी वहाँ। और बाबूलाल जी जी मेरे से मिलना भी चाहते थे, लेकिन मैं फिर निकल गया, मिला नहीं। जी खैर, मुझे जी उस बात का मलाल है कि मिल नहीं पाया, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर, बटनेर के बाद में, बटनेर जी में किले में जो मोहम्मद गौरी को हार का सामना देखना पड़ा था, जी उसके बाद में मतलब उस अतिताई को हराने के अंदर काम किया था, वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो अशिक्षा है उसको हराने का काम एसकेडी ने किया है, ये बहुत बड़ा काम है, ये क्या माइलस्टोन होगा, क्या ये बड़ी वास्तव बात, में क्या बड़ी एजुकेशन बात। का विस्तार। और मैंने जब शुरू शुरू में आपके ये, मेरे को इनवाइट भी किया था उन्होंने, मैंने जी देखा कि आप एग्रीकल्चर साइड के अंदर जिसकी अभूतपूर्व संभावनाएं हैं यहाँ, उसके अंदर जो आप बहुत कुछ कर रहे हो, तो यहाँ के बच्चों को यूनिवर्सिटी की एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, और एसएडी के 2-3 साल के अंदर ये एक एक ऐसे वट वृक्ष की तरह खड़ा हो गया, तो जी बड़ा अच्छा लगा मेरा। हालांकि मेरे को मलाल इस बात का है कि मैं आ नहीं पाया उस दिन, नहीं आ पाया था किसी जरूरी काम की वजह से, अब जरूर आऊंगा कभी, सर, मैं आपसे अब मिलने बाबूलाल जी आऊंगा, मित्र हैं उनसे आपका मिलूंगा, आशीर्वाद लेने आऊंगा। और खास है संदीप आपसे मिलूंगा, खास तौर जी पर जी पंकज सर, बहुत बहुत वहां है, पंकज से मिलूंगा मेरा जी, सौभाग्य बिल्कुल। सर। बाबूलाल सर से जब मैं पहली बार मिला, तो मैं यकीन जाने मैं आज भी कहता हूं कि यूनिवर्सिटी को, शिक्षा को लेकर जो उनका विजन है, वो हाँ जी, उन चुनिंदा लोगों में है जिनको हम महान लोगों के तौर पे देखते हैं। उनका कहना मुझसे ये था कि मैं ये चाहता हूं हनुमानगढ़ का एक भी बच्चा बाहर इसलिए ना चला जाए कि यहाँ उसको वो शिक्षा नहीं मिली, यहाँ वो कोर्स नहीं मिले, यहाँ सुविधा नहीं मिली।
मैं हर बच्चे को सुविधा दूंगा, आगे डिसीजन तो बच्चों का है। बहुत अच्छी सोच है उनकी। हाँ जी अशोक अग्रवाल सर कह रहे हैं, सर आप वो सवाल पूछ रहे हैं जो मुझे लग रहा है मेरे ही मन के हैं। देखिए सर, इतनी बड़ी शख्सियत से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे सवाल पूछ लूं मैं। ऐसे महापुरुष अगर गुरु हो तो देश का उज्ज्वल भविष्य होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे रामवीर तवर भाई जी कह रहे हैं, मेरे भाई साहब भी ऑनलाइन है, मेरे जीजा जी ऑनलाइन है, मैं चंद्र भाई साहब को नमन करता हूँ। और विनोद परमार जी, जय हिंद, वंदे मातरम, क्या बात है तमाम लोग। सर मैं एक दो चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, एज अ टीचर मुझे कोई ऐसी बातें बताइए कि जो आप मेरे अंदर देखना चाहते हैं, मेरे से अंदर है, हर टीचर के अंदर देखना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ टीचर हमारे लिए इस समय आदर्श है सर, आप हमारे आदरणीय हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें अपना बच्चा मान के ये बताइए कि मेरे बच्चों कि मैं तुम्हें टीचर के तौर पर, अगर तुम टीचर बनी गए हो तो ये गुण तो तुम में जरूर होने चाहिए, ये सोच तो जरूर होनी चाहिए। यस यस यस, एक टीचर तो देश का निर्माता जिसको बोलते हैं, समाज और में मैं एक वादा बहुत बड़ा करता हूँ विश्वास आपसे है। सर, मैं और वादा मेरा करता निवेदन हूँ ये है, जितने आपको टीचर जितने भी सुन रहे हैं वो आपकी बात को फॉलो भी करेंगे, मानेंगे भी, और हम ऐसा ही बन के दिखाएंगे जैसा आप कहेंगे। बताइए सर। सर मेरा निवेदन ये है कि जी टीचर से समाज बड़ा अपेक्षा रखता है, जी जी देश जी बड़ा अपेक्षा रखता है, जी तो अपेक्षा पर वो खरा उतरे और उस किसी जी भी परीक्षा में वो फेल नहीं हो, यानी समाज जी की अपेक्षाओं की परीक्षाओं में वो फेल नहीं हो, और जो बच्चा क्या उसके बात, पास पढ़ने के लिए आ गया उसको अपने संतान से भी बढ़िया समझे। मैंने मेरे बच्चों को हमेशा मेरे अपने बच्चों की तरह ही उनको समझा है, बल्कि उनसे भी बेटर समझा है हमेशा उनको। तो अगर आप इस तरह का उनके साथ व्यवहार रखोगे, आप उस तरह का प्यार दोगे उन बच्चों को, लेकिन जी अनुशासन में रख करके, खासतौर पर क्या बात, अनुशासन में रख करके उनमें संस्कार दीजिएगा। आप जी जी संस्कार आपने बच्चों को दे दिए तो उसके बाद जी में बहुत कुछ बातें तो वैसे ही आ जाती है बच्चे के अंदर। और क्या बात है, संस्कार देने के लिए जरूरी है कि पहले संस्कारित खुद बनो, आप स्वयं क्या बात संस्कारित है, हो। अगर आप स्वयं संस्कारित हो तो बच्चे बच्चे इस उम्र के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर, बच्चा जी जो है अपने टीचर को फॉलो करता है, हमेशा ये जी चाहता है मैं ऐसा टीचर बनूं, मैं ऐसे कपड़े पहनूं जैसे मेरे टीचर ने पहन रखे हैं, ऐसे जूते पहनूं जैसे मेरे टीचर ने पहन रखे हैं, तो जी जी जैसे जी जी मेरे टीचर बोल रहे हैं वैसे मैं बोलूं, ये उसको फॉलो करना चाहता है विद्यार्थी। तो आप सोच समझ करके बोलो, और आप को जो विद्यार्थी को आपसे अपेक्षाएं हैं, जो समाज को जी आपसे जी अपेक्षाएं हैं, जो आपको जी देश को आपसे अपेक्षाएं हैं, क्या उन अपेक्षाओं पर आप खरे उतरो, तभी एक अच्छे बात, शिक्षक का बन पाओगे। कभी पैसे के पीछे मत दौड़ो, कभी जी, पैसे, मनी इज नॉट एवरीथिंग, जी मनी इज नॉट एवरीथिंग। मैं निवेदन कर दूं आपको कि जी पैसा सब कुछ नहीं है, वो अपने आप ही इंतजाम हो क्या जाता है उसका। मैंने कभी कुछ बात है, नहीं मनी जोड़ा, डेफिनेटली लेकिन कमी कभी कभी भी नहीं रही, आप सही कह रहे हैं, मनी कभी भी कमी डेफिनेटली, नहीं रही। जी, कोई विद्यार्थी आ हाँ गया सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर, जितने सुन रहे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सर से तो आपका स्वागत है। तब तक मैं कुछ कमेंट कर देता हूँ, बाकी आप लोग पूछ सकते हैं। कार्तिक भारद्वाज कह रहे हैं, सर मैं हॉस्टल में, आपने हमारा ख्याल बिल्कुल पिता की तरह रखा, कभी हमें अपने घर का कमी महसूस नहीं होने दी, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ। रवि जाखड़ साहब कह रहे हैं कि महान शख्सियत जिनके द्वारा सिखा गए गुणों, निर्देशों, व्यक्तित्व, अनुशासन का पालन कर रहे हैं दादाजी। आपको मुझे ऐसा लगता है कि उधर सब लोग दादाजी के नाम से बोलते हैं, यस 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 ज्यादातर तमाम लोगों ने आपको दादाजी लिखा है। और ये ऋषिकेश 2010 के मिश्रा, बाद में दादाजी बोलना ही शुरू कर दिया। हाँ जी, दो अच्छा क्या बात है सर, दो हजार क्या दस के बात, बाद में दादाजी बोलना ही शुरू कर दिया। अच्छा। दीपक जी कुमार जी जी कह रहे हैं, थैंक यू एसकेडी यूनिवर्सिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ऑनलाइन इंटरव्यू। यकीन जाने दोस्तों, मैं भी श्री कुशालदास विश्वविद्यालय का बहुत ही ऋणी हूं कि अगर श्री कुशालदास विश्वविद्यालय से मैं नहीं जुड़ा होता तो शायद ऐसी महान शख्सियत से मिलने का मौका मुझे नहीं मिल पाता। और शिक्षा के क्षेत्र में जो श्री कुशालदास विश्वविद्यालय कर रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, और मुझे लगता है कि सर को बहुत प्रसन्नता होगी कि वो सुविधाओं को, ऐसे कोर्सेज को वहां पे लॉन्च किया है ताकि राजस्थान का नाम, गौरव और बढ़े। किसी, कोई भी व्यक्ति अगर सर से सवाल पूछना चाहते हैं, वी ऑलवेज फॉलो देयर पाथ फीलिंग प्राउड टू बी स्टूडेंट एंड जीआरजीएन। एक निवेदन ग्रेट कर सर, दूं, क्या बात है सर, तमाम लोग आपसे, जी जी सर,
जी सर, हाँ संजीव जी, एक जी निवेदन कर सर, दूं जी सर, कि आधी सदी वहां ये बिताने के बाद मैं घर आया, और उसके बाद में ये नई जी इंस्टीट्यूट के मेरे स्टूडेंट मेरे को लेके गए यार ग्लोबल एकेडमी के अंदर। तो लोगों ने ये सोचा था कि आधी सदी तो वहां बिता दी और अब क्या करेंगे। जी मैं कह रहा हूँ जी पिछले पिछले 6 साल के अंदर एक संस्था का जो है रुतबा ही बदल गया, विद्यार्थियों का रुतबा ही बदल गया, खिलाड़ियों का जी, रुतबा ही बदल गया, क्या खिलाड़ियों बात है, के चेहरे ही बदल गए। क्या 6 साल के बात है, अंदर मैंने क्या ज्यादा ही वादा किया था कि इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बनाऊंगा, एकेडमिक क्षेत्र के अंदर अचीवमेंट हासिल करूंगा, और आप ये देखो कि विद इन 5 ईयर्स, जी 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जीआर ग्लोबल एकेडमी के बच्चों ने जो माइलस्टोन्स तय किए हैं, कमाल हो गई। पचास क्या बात मेरे है जाने के बाद में 50 लड़के डीयू के अंदर, जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने वाले 50 लड़के अभी वहां एडमिशन लिया, जबकि मेरे से पहले एक भी नहीं गया था। क्या बात और है, जब गया था तो ये था कि जी यहाँ तो कोई 60% से पास हो जाए तो ठीक है, और जी 95% से ऊपर लेने वाले बच्चे, तीन तीन बच्चे 95%, 90 से ऊपर लेने वाले 11 11 बच्चे, और 80% से ऊपर लेने वाले 50% बच्चे। माहौल ही बदल जी गया, खेल का माहौल ही बदल गया, जिस भी मैदान में घुसे जीत के आए। तो क्या बात है सर, एक क्या बात एक एक जज्बा होना चाहिए काम करने का, उम्र कहीं आड़े नहीं आती। और वैसे भी मैं कह रहा क्या हूँ कि मेरे बात तो 23 साल पड़े हैं। जी, क्या बात है, हमें भी सौभाग्य मिलेगा आपसे सीखने का, क्या बात है। तमाम लोगों से मैं एक ही दरख्वास्त करूंगा जो भी सुन रहे थे सर को, हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे टीचिंग में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, सवाल ये नहीं है हम सारे काम छोड़ के टीचर बन जाएं, सवाल ये है जितने ईमानदारी से सर ने टीचिंग को, अध्यापन को निभाया है, उतनी ही ईमानदारी और जिम्मेदारी से हम अपने अपने कर्तव्य को निभाएं, काम को निभाएं, तो हम इस देश को वापस वो ही महान भारत गुरु बना सकते हैं। सर मैं एक कॉन्क्लूड कर रहा हूं, एक स्टोरी से आपको समर्पित। आपको देख के मुझे लगा कि जीवन में गुरु का जो हम सुनते आए थे ना, वो श्लोक दोहे जो सुने थे, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, आज उसका अर्थ मुझे समझ में आया है। एक गाय होती है सर, जंगल में गाय चरने चली जाती है, आपको समर्पित फिर हम कॉन्क्लूड करेंगे आज के सेशन को। तो गाय के पीछे ना शेर पड़ जाता है, उसे देख लेता है शेर, तो गाय जान बचाने के लिए भागती है, तो भागते भागते गाय एक दलदल में गिर जाती है, पीछे से शेर भी कूद पड़ता है। अब दरअसल वो दोनों ही दलदल में फंस जाते हैं, एक दूसरे से 4-5 फीट दूर होते हैं, लेकिन दलदल की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, 15-20 मिनट वहीं पड़े पड़े हो जाते, शेर भी वहीं, गाय भी वहीं। तो गाय शेर से पूछती है कि शेर तुम्हारा कोई तेरा कोई गुरु है मालिक है क्या, क्या? तुम्हारा कोई मालिक है हाँ क्या। तो हाँ शेर बोलता, कैसी बात करिए, तू जंगल के राजा से बात करिए, तुझे पता शेर का कोई मालिक कोई गुरु नहीं होता। तो गाय बोलती है, फिर तो तू आज मरेगा। तो शेर बोलता है, मतलब। गाय बोलती है, मेरा एक मालिक है, मेरा एक गुरु है, जब मैं आधा पौने घंटे घर नहीं पहुंचूंगी 4 बजे तक, तो वो 4 बजे मुझे ढूंढने निकलेगा और 10-15 मिनट में मुझे यहां पहुंच जाएगा, वो ढूंढते ढूंढते, और जैसे ही वो मुझे दलदल में फंसा हुआ देखेगा तो वो रस्सी डालकर मुझे निकाल लेगा। ले जाएगा। पर क्या तेरा कोई ऐसा गुरु है जो तुझे फंसा हुआ देखकर दलदल में से निकाल, रस्सी डाल के निकाल ले। क्या तूने जिंदगी में कोई ऐसा गुरु बनाया है, कोई ऐसा मालिक बनाया है। मुझे आज आपको देख के मिल गया लगा, आप गाय हो या शेर हो, पर आपकी जिंदगी में एक राजा राम बिश्नोई सर जैसा गुरु जरूर होना चाहिए, जो मुश्किल हालात में, जो मुश्किल परिस्थितियों में आपको रस्सी डाल के निकाल ले उस दलदल से, उस मुश्किल से। मैं आपको फिर सादर चरण वंदन करता हूँ सर, नमन करता हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक आपने श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल के लिए समय निकाला, और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने सर, मेरा एक वालों को निवेदन है, कि उन्हें अच्छा लगा होगा। जी सर, एक निवेदन यह है कि बाबूलाल जी को मेरा नमस्कार बोलिएगा, और जितने बच्चे आपसे जुड़े हैं जी उनको एक बार इन द टाइम मिस यू वेरी मच। मैं तमाम लोगों से बोल रहा हूं कि सर जितने आपको बच्चे आशीर्वाद बहुत दे रहे बहुत हैं, जुड़े हैं जितने उनको कहो। जी जितने सुन रहे हैं तमाम दीपक जी सर आशीर्वाद दे रहे हैं आप तमाम, जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिर सर। इनको दोस्तों मैं एक बार फिर पुनः नमन करता हूं सर आपको, पुनः आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथियों मैं जानता हूं कि आज का इतना बेहतरीन सेशन ये रहा है, हमें तमाम चीजें सर से सीखने को मिली हैं। सर एक बार पुनः आप अगर ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद दे देंगे तो बच्चों तक आपका आशीर्वाद पहुंच जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, सर। साथियों, थैंक यू जी जी सर,
साथियों थैंक कल यू 10 बजे सर। आपसे फिर मुलाकात होगी, कल की हमारी जी सर थैंक यू सर, थैंक यू, जी सर स्वागत सर, धन्यवाद सर। साथियों कल नमस्कार। 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। कल की हमारी शख्सियत हैं हनुमानगढ़ की बेटी और फिलहाल लखनऊ में TCS कंपनी में ट्रेनर, बाइकर, पोएट, मोटिवेशनल स्पीकर और वीमन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल, लेकिन आपके हनुमानगढ़ की ही बेटी हैं वो प्राची शिखा, जिनसे कल हम 10 बजे मुलाकात करने वाले हैं। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कल 10 बजे आए, और खास तौर से शख्सियतों के उसमें एक ऐसी शख्सियत से हम मिलते हैं जिसने अपना मुकाम खुद हासिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर चरण वंदन फिर से, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद सर।